हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 8 में यूनिट 7 इन्वायरमेंटल चेंजेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इन्वायरमेंटल क्या है, तो हम अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं पर्यावरण। उसमें जो चेंजेस होता है उसके लिए हमारे इस यूनिट में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले द एयर दैट एनवेलोप द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड्स इज नोन एज एटमोस्फियर। हमारी पृथ्वी के आसपास जो हवा का आवरण है उसको हम एटमोस्फियर कहेंगे। द एटमोस्फियर इज गेटिंग पोल्यूटेड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। द एनवायरमेंट गेट्स पोल्यूटेड ड्यू टू इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, पावर स्टेशन एंड व्हीकल्स। हमारा जो एटमोस्फियर है वो आजकल हमारी एक्टिविटी यानी कि मनुष्य की एक्टिविटी यानी कि प्रवृत्ति से बिगड़ने लगा है, जैसे कि इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, पावर स्टेशन या और व्हीकल। इन सब चीज़ों से हमारा इन्वायरमेंट है वो ख़राब होने लग गया है। द चेंजेस दैट अकर इन टेम्परेचर, डायरेक्शन, विंड, मॉइस्चर एक्सेट्रा ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग आर नोन एज इन्वायरमेंटल चेंजेस। जो हम इसलिए ये प्रदूषण बढ़ने लगा है इसलिए आजकल हमारे वातावरण में टेम्परेचर, पची मॉइस्चराइजर एक्सेट्रा ये सब होने के कारण हमारे आसपास आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। इसको हम इन्वायरमेंटल चेंजेस बोलते हैं। फाइंड आउट द प्लेसेस दैट एक्सपीरियंस एक्सट्रीम रेन, हीट, कोल्ड, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस विद द हेल्प द गिवन टेबल। ऑल्सो फाइंड आउट रीजन फ्रॉम द सेम। हमें जो नीचे कोष्टक दिया है उसमें रेन, हीट, कोल्ड जो ये सब हम लोगों को जानकर इस टेबल में लिखना है। उसके बाद है व्हाट इज वेदर, वेदर क्या है। द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, रेन, मॉइस्चर मीन्स ह्यूमिडिटी इन एनी रीजन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज वेदर। वेदर किसको बोलेंगे, तो हमारी जो कंडीशन है टेम्परेचर, रेन यानी कि बारिश और ह्यूमिडिटी एनी रीजन अथवा तो और कोई भी चेंजेस हो रहा है उसको हम वेदर बोलेंगे। What would be the weather of this place? Write your answer in your notebook after carefully observing given maps. हमारे नीचे जो मैप दिया गया है उसमें टेम्परेचर लिखा है वो हम सबको एक नोटबुक में लिखना है। उसके बाद है what is climate? Climate क्या है। The average condition of rain, temperature and moisture for over more than 35 years इन एनी इज नोन एज क्लाइमेट। जो लगातार मोर देन मीन्स 35 और उसके ज़्यादा ईयर तक हम रेन, टेम्परेचर और मॉइस्चर दोनों तीन जो सीजन होती है उसको हम लगातार देखेंगे और कंडीशन के एवरेज फाइंड करेंगे तो उसके बाद जो हमें आंसर मिलेगा उसको हम क्लाइमेट कहेंगे। तो इसके बाद है ग्रीन हाउस फार्मिंग। कंट्रीज विथ अ कोल्ड क्लाइमेट रिसीव लेस हीट फ्रॉम द सन। This hampers the growth of plants and vegetables. Hence, arrangements are made to accumulate
adequate heat from the sun. The roof is made of either glass or cloth to allow the sun rays to penetrate and sustain the heat inside the building, and this practice is known as the green house farming. हमारे देश में जो सूर्य की गर्मी है उसको हम लो लगातार हमारे रूफ यानी कि हमारे घर के ऊपर जो रूफ होता है उसके पर आती है, तो वो उस पे हम आइदर ग्लास और क्लोथ अलाउ टू सन रेस सनटेन हीट इनसाइड द बिल्डिंग, वो हमारी बिल्डिंग में कहीं तरह से अंदर आ जाती है, तो उससे क्या होगा, ग्रीन हाउस फार्मिंग. चेंजिंग क्लाइमेट, अब हम क्या करेंगे, इस क्लाइमेट बढ़ गया है तो उससे चेंजेस क्या होंगे. राइट वन सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ द पिक्चर गिवेन अबाउन इन योर बुक. ये जो पिक्चर है उससे उसका हमें ध्यान कर देख कर सब पिक्चर में से एक एक सेंटेंस वन वन सेंटेंस हमारी बुक में लिखना है. अब है व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग क्या है. ग्लोबल वार्मिंग रिफर्स ओ टू एन अनइक्वल एंड कंटिन्यूअल राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ्स क्लाइमेट सिस्टम ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस. हमारे आसपास जो ग्रीन हाउस के गैसेस है वो लगातार बढ़ने लगा है, तो इससे हमारा टेम्परेचर है वो टेम्परेचर में कुछ बदलाव आता रहता है, तो उसके लिए क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा. इट अकर्स व्हेन सर्टेन गैसेस इन द एटमॉस्फेयर इंट्रैप इंफ्रारेड रेडिएशन. अब जब ये गैसेस बढ़ने लगता है तो इंफ्रारेड रेडिएशन उत्पन्न होता है. This effect makes the plant warmer, which subsequently reaches the global warming. वहाँ warming नहीं, printing mistake है, warning, warming होगा. तो क्या है, तो इसके लिए हमारे जो warmer है, global warming बढ़ने लगता है. नीचे दिए गए ये फोटो में देखो, सब व्हीकल से, फैक्ट्री से, सबका जो धुआने हैं वो सब जा रहे हैं, और सूर्य की गर्मी से ऊपर ऊंचे नहीं जा रहे, और वो लगातार रेडिएशंस के कारण हमारी तरफ ही आने लगता है. तो वो क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग. न्यूज़ फ्रॉम न्यूज़पेपर. एवरेज इंक्रीज ऑफ 5 सेल्सियस इन द टेम्परेचर इन वेस्ट यूरोप का एवरेज आज 5 सेल्सियस तक बढ़ गया है. किसके कारण, ग्लोबल वार्मिंग. हीट एक्सपीरियंस 114 टेम्परेचर इन दार्जिलिंग रीच ऑफ मैक्सिमम 28 सेल्सियस 2009 सेंचुरी. 2009 सेंचुरी में 28 सेल्सियस दार्जिलिंग का मैक्सिमम हो गया था और आज 14 सेल्सियस है. स्नोफॉल इन डेजर्ट, इसके कारण डेजर्ट में स्नोफॉल भी होने लगा है. मुंबई रिसीव्ड 942 मिलियन रेन इन वन डे 2005 सेंचुरी. 2005 की सेंचुरी में मुंबई में इसके कारण 942 ml रेन एक दिन में हुआ था. इंक्रीज टेम्परेचर इन ऑस्ट्रेलिया 2005 सेंचुरी. ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेचर बढ़ गया है. सनडेरवेन इज सबमर्जिंग रिड्यूसिंग ऑफ 5 किमी इन खुम्बू स्नो रिवर ऑफ नेपाल. नेपाल में भी जो रिवर है स्नो की वो भी पिघलने लगी है.
आइसकेप ऑफ द साइज ऑफ 3250 स्क्वेयर किलोमीटर्स मेल्स विथिन 35 डेज इन एंटार्क्टिका. सोर्सेस ऑफ रिवर आई ड्राइड ड्राइंग अप. जो रिवर के सोर्सेस जो है वो भी ड्राई यानी कि सूखने लगे हैं. हाउ डज द अर्थ गेट हीट. हमारी पृथ्वी है वो कैसे हीट होती है, कैसे गर्म होती है. तो द ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोक्स ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC एंड हालोकार्बन प्ले एन एक्टिव रोल इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट. मेन कारण क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट का. तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोक ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे वायु हमारे आसपास फैलने लगा है. इसलिए द इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ द गैसेस लीड्स द प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंजेस. मेन रीज़न यही है इस सब का बढ़ने लगा है वायु का प्रमाण, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है. इंक्रीज द इन द टेम्परेचर बाय 0.6 सेल्सियस इन द लास्ट 100 ईयर. लास्ट 100 ईयर से हमारा टेम्परेचर 0.6 सेल्सियस तक बढ़ गया है. तो फिगर में देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड 64% है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC 65%, मीथेन 10% एंड हालोकार्बन 0.5%. ईच पर्सन इन द वर्ल्ड रिलीज 4.5 मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. हर व्यक्ति वर्ल्ड में 4.5 मेट्रिक टन्स कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है. 100 ईयर अगो द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वॉज 275 ppm. टूडे इट इज 350 ppm. 100 ईयर्स पहले कार्बन डाइऑक्साइड है वो 275 ppm था और वो आज बढ़कर 350 ppm हो गया है. हवे उसके बाद ppm है क्या. तो ppm मीन्स पार्ट पर मिलियन. फॉर एग्जाम्पल 280 ppm इज इक्वल टू 0.28%. इंक्रीज एवरेज टेम्परेचर ऑन अर्थ इन द लास्ट 150 ईयर्स. देखो इस फिगर में हमें लास्ट 150 ईयर का टेम्परेचर है उसकी एवरेज बताई गई है. स्टडी द टेबल गिवेन अबव. स्टेट हाउ मच आर वी रिस्पॉन्सिबल इन एडिंग टू द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. अर्थ का टेम्परेचर है वो किस जगह किसका कितना है वो हमें यहाँ दिखाई देता है. तो सबसे पहले थर्मल पावर स्टेशन ईयरली कितने गैसेस उत्पन्न करते हैं, 9 लाख टन. मोटर कार ईयरली 17 करोड़ टन. AC ऑन एवरेज 24 आवर्स में 2230 kg. TV 119 kg. ट्यूबलाइट 88 kg. कंप्यूटर 130 kg एंड फ्रिज है 920 kg. उसके बाद है मीथेन. द मैसिव इंक्रीज इन मीथेन प्रोपोर्शन फ्रॉम 315 ppm इन द ईयर 1750 टू 1764 ppm इन द ईयर 2005 वॉज ड्यू टू द रीजन्स लिस्ट बिलो. जो एक लिस्ट है हमारे फिगर में दिया गया है कि ईयर 1750 से 1764 तक
मीथेन का जो प्रमाण है वो कितना बढ़ गया है। तो नीचे दिए गए फिगर में हम सबको दिखाई देता है। उसके बाद है नाइट्रोक्स ऑक्साइड। द प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोज ऑक्साइड हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 270 ppm टू रिसेंट 319 ppm। आज हमारे आसपास नाइट्रोक ऑक्साइड का प्रमाण 270 ppm से बढ़कर 319 हो गया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ड्यू टू यूज ऑफ फोम, प्लास्टिक, रेफ्रिजरेटर, एसी, सर्किट स्प्रे, द मिनिट पर्टिकुलर हैविंग इन साइज रेंजिंग फ्रॉम 1 micron द 10 micron इज नोन एज एरोसोल एक्सेट्रा देर हैज बीन इंक्रीज द इन द CFC। आजकल प्लास्टिक, फोम, रेफ्रिजरेटर, एसी, सर्किट, एरोसोल इसके कारण हमारा आसपास का जो वातावरण है वो बिगड़ने लग गया है, इसलिए CFC है वो बढ़ गया है। इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग तो हो गई, पर उससे इफ़ेक्ट क्या होती है? तो चेंजेस आर ऑब्जर्व इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द वेजिटेशन। हमारे जो ग्रोथ है डेवलपमेंट का, उसमें चेंजेस होने लगा है। सर्टेन स्पेसीज ऑफ बर्ड आर नाउ डिसअपेयरिंग सच ए स्पैरो एंड वल्चर्स। अमुक पक्षी की जात है वो हमें नहीं दिखाई देती, सच एज लाइक स्पैरो और वल्चर्स। मीन्स स्पैरो मीन्स चकली और वल्चर्स मीन्स गीत। 200 ग्लेशियर्स ऑफ हिमालयस आर रेस्ट मेल्ट। जो हिमालयस का स्नो है वो भी पिघलने लगा है, हमारी तस्वीर में दिखाई देता है। 2001 में क्या है, 2003 में क्या है और 2006 में। There has been an increased natural calamities like famine, cyclone, excessive rain, flood in the last 10 years. उसके कारण last 10 years में cyclone, rain, floods वो सब आने लगा है। The places receiving heavy rainfall are now experiencing less rainfall. राजस्थान एंड दुबई एक्सपीरियंस हैवी रेन एंड देर इज स्केंटी ऑफ रेन इन चेरापूंजी। ऐसा होने लगा है जिस पर ज़्यादा बारिश होती थी वहाँ कम होने लगी है, और जो कहाँ जहाँ कम होती थी वहाँ ज़्यादा होने लगी है। तो राजस्थान और दुबई में हैवी रेन होने लगा है और उसके चेरापूंजी का प्रमाण करें तो उसमें बारिश ज़्यादा होती थी तो कम होने लगी है। द प्रोडक्शन ऑफ पल्सिस आर गो डाउन, द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज डिस्क्रीट। तो प्रोडक्शन पल्सिस गोन डाउन, प्रोडक्शन है जो पल्सिस वो डाउन हो गया है। लेवल ग्राउंड वाटर हैज डिस्क्रीट, जो मैदान में वाटर होता था वो भी डिक्रीज्ड होने कम होने लगा है। द मेटलिंग ऑफ ग्लेशियर्स हैज इंक्रीज्ड द वाटर लेवल इन ओशियन। दिस हैज अग्रेवेट द इरोजन ऑफ कोस्ट लाइन। जो ओशियन यानी कि हमारे समुद्र में का पानी है वो भी उसका स्तर बढ़ने लगा है। ह्यूमन बींग will fall victims to dehydration, malnutrition due to increase in temperature. Temperature बढ़ने के कारण आजकल human को dehydration and malnutrition जैसी problem होने लगी है। There will be changes in the cycle of season will changes. जो human cycle जो सीजन की साइकिल्स है वो भी चेंज
होने लगी है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ समर एंड विंटर सीजन विल चेंज, हमें दिखाई देता है समर और विंटर की सीजन है वो चेंज हो गई है। द सेलिनिटी ऑफ द सोइल इन गुजरात विल इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ 25 सेंटीमीटर इन सी लेवल, हमारे गुजरात के आसपास जो सी है उसका लेवल इंक्रीज बढ़ गया है कितना 25 सेंटीमीटर। देर इज अ मार्क डिस्क्लाइन इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायसिस लाइक कोलेरा, डेंगू, मलेरिया, येलो फीवर, स्वाइन फ्लू एक्सेट्रा हैज इंक्रीज। उसके कारण क्या हुआ, हमारे देश में अमुक रोग होने लगा है जैसे कि कोलेरा, डेंगू, मलेरिया, येलो फीवर, स्वाइन फ्लू। द एरियाज नियर द कोस्ट ऑफ मालदीव्स, बांग्लादेश, फिलीपाइंस, वेस्ट इंडीज एंड ऑस्ट्रेलिया हैव सबमर्ज, जो सी के आसपास ओशियन के आसपास जो देश है मालदीव्स है, बांग्लादेश, फिलीपाइंस, वेस्ट इंडीज, वो सब मर्ज होने लगे हैं। अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूशन नेम्ड ग्रीन पीस, अप्रोक्सीमेटली 55 लाख पीपल लिविंग इन गुजरात विल हैव टू माइग्रेट इन द ईयर 2100 सेंचुरी। तो गुजरात में 2100 सेंचुरी में 55 लाख पीपल है वो हो गए हो जाएंगे। द फ्लावर्स आर लूजिंग देयर फ्रेग्रेंस ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, फ्लावर की जो फ्रेग्रेंस है वो भी, उसकी स्मेल है वो भी अब धीरे धीरे कम होने लगी है। बीहेव्स आर डिसअपीयरिंग फास्ट, जो मधुमक्खी के झाड़े होते हैं वो भी कम होने लगे हैं। सी इमेज 7.10 एंड मेक नोट बेस्ड इन टू हाउ टू मच CO2 इज बींग रिलीज, ये तस्वीर देख हमें लिखना है CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड वो कितना रिलीज होता है। उसके बाद है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, तो ये गए तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सोलर एनर्जी है, वाइंड एनर्जी, बायोमास एंड टिडल एनर्जी, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। मेजर टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग हो गया तो उसके प्रिवेंट मतलब उसका रक्षण करने के लिए हमें क्या करना होगा, रिड्यूस द यूज ऑफ सोर्स दैट रिलीज CO2, जहाँ से CO2 रिलीज होता है उसको कम करना होगा। ऑफोरेशन एंड कन्वर्जन फॉर फॉरेस्ट साउट शुड बी डन, फॉरेस्ट का जो नाश होने लगा है वो हमें कम करना होगा। ग्रोविंग ट्रीज हेल्प टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड कम करता है वैसा ट्रीज हमें उत्पन्न करना होगा। अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक का यूज करना होगा। ऑप्टिमम यूज ऑफ मैनर एंड पेस्टिसाइड्स का उपयोग हमें कम करना होगा। अडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग का हमें यूज करना होगा। प्रॉपर यूज ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का हमें प्रॉपर यूज करना होगा। चेक द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, जो ह्यूमन का पॉपुलेशन होता है वो हमें थोड़े थोड़े दिन में चेक करना रहेगा। डिजाइन द बिल्डिंग विद सफिशियंट वेंटिलेशन टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना होगा। इंक्रीज द यूज ऑफ इको फ्रेंडली पेपर्स का हमें यूज बढ़ाना होगा। ग्रो प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड योर होम, हमारे घर के आसपास प्लांट्स एंड ट्रीज उगाने होंगे। मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस,
नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स कुदरती रिसोर्स जो है उसका हमें यूज़ करना होगा. यूज़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट जुडिशियसली, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज़ करना होगा. यूज़ वाटर केयरफुली, केयरफुली वाटर का यूज़ हमें केयरफुली करना होगा. प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग हमें जो बारिश का पानी है उसका हमें संग्रह करना होगा. इंक्रीज द यूज़ ऑफ सीएनजी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी, सीएनजी का यूज़ बढ़ाना होगा और जो सोर्सेज है नॉन कन्वेंशनल का उसका भी हमें यूज़ करना होगा. ग्लोबल पॉलिसी टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, हमें इन्वायरमेंट को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो ऑन रियलाइजिंग दैट ह्यूमन एक्टिविटीज आर द रूट कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द इन्वायरमेंटल, द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड गेदर्ड एट स्टॉकहोल्म द कैपिटल ऑफ स्वीडन इन 1972 टू थिंक ऑफ वेज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट. अनदर कन्वेंशन वॉज हेल्ड एट रायो डी जेनेरियो ब्राज़ील. जो ब्राज़ील है और स्वीडन का जो कैपिटल है स्टॉकहोम, इसमें इन्वायरमेंट कैसा है वो हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं वो हमें दिखाई दिया है, यहाँ बताया है. इन द मीटिंग हेल्ड एट कोपेहेंज कैपिटल सिटी इन डेनमार्क इन द ईयर 2009 डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग. डेनमार्क में प्रोटेक्ट जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डेनमार्क में 2019 में मीटिंग की गई थी. इट वॉज ऑब्जर्व दैट द डेवलपमेंट नेशन आर नॉट एक्सेप्टिंग द कार्बन कट, यानी कि द टेक्निक टू रिड्यूस द इमिशंस ग्रीन हाउस गैसेस. ग्रीन हाउस गैसेस जहाँ से उत्पन्न होते हैं उसको हम उसका यूज़ हमें कम करना होगा. एंड द डेवलपिंग नेशंस वेर इंक्रीसिंग प्रेशर्स फॉर द रिडक्शन ऑफ इमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. इट वॉज डिसाइडेड टू गिव एन एड ऑफ $100 billion फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग नेशंस. इसका हमें डेवलप करने के लिए और जो नेशंस है उसको डेवलप करने के हमें करीब $100 billion की जरूर है. इन दिस मीटिंग 59 रिसर्च पेपर्स फ्रॉम 45 कंट्रीज वेर प्रेजेंटेड एंड थ्रू इट द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड वेर मेड टू थिंक सीरियसली रिगार्डिंग द चेंजेस क्लाइमेट. On an average, a citizen in the world emits 4.5 metric ton carbon dioxide. Indian citizen emits 1.2 metric ton carbon dioxide. तो क्या है, वर्ल्ड के जो सिटीजन है, वर्ल्ड के लोग है, वो 4.5 metric ton carbon dioxide उत्पन्न करते हैं और जो इंडिया के सिटीजन है वो 1.2 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं. अदर डेवलपिंग नेशंस रिलीज फार लेसर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और बाकी जो नेशन के लोग है वो लेसर कम कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है. लार्ज अमाउंट ऑफ कंसेरेंसेस शुड बी गिवेन फॉर डेवलपमेंट एंड मोर restrictions should be imposed on the countries like the USA. An average American emits 20.6 metric ton carbon dioxide. USA में अमेरिकन लोग है वो 20.6 metric ton carbon dioxide है वो impose करता है. तो global warming से कितने हमारा नुकसान होता है, तो ये सब समझकर हमें थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए और थोड़ा संभलना चाहिए.